अस्सलाम वालेकुम जी बेटे, हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और उसमें भी स्पेशली एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड ऑन सेक्शन फार्मूला। इफ देयर इज़ ए पॉइंट विच डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट इन द गिवन रेशियो, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ टू पॉइंट्स आर गिवन, वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड पॉइंट। तो पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ द क्वेश्चंस आर देयर इन दिस एक्सरसाइज, और फिर वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस बार जो हम आपसे क्वेश्चंस वीडियोस बना रहे हैं वो बेट सीक्वेंस में बना रहे हैं, ठीक है? क्या आप वीडियो नंबर वन, वीडियो नंबर टू आप देखते जाएँ, कॉन्सेप्ट, फार्मूला, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा उसके अकॉर्डिंग। तो आप अगर वीडियोज़ को सिक्वेंस में देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरी बात ये, ज़्यादा बड़ी हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ छोटी सी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, हर क्वेश्चन की अलग अलग और डिटेल के साथ, कि अगर उसमें कुछ फार्मूला यूज़ हो रहा है, कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो वो हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो पहले तो मैं आपसे बात करूं कि जो आपके पास चैप्टर 7 है, ठीक है सर, उसमें जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें हमारे पास है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है हमारे पास? ये लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये हमारे पास है अनदर पॉइंट सी। दिस सी पॉइंट डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशो एम वन एम टू। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी आर गिवन, सपोज ए इज एक्स वन वाई वन एंड बी इज एक्स टू वाई टू, ये बस, तो आप सी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मींस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स की वैल्यू जो होती है वो होती है, आपसे अब कहा था, मैंने समझाया था कि एम वन लेंगे तो उधर एक्स टू लेंगे, एम टू लेंगे तो इधर एक्स वन लेंगे, और जब हम एक्स निकाल रहे हैं तो सिर्फ एक्स ही कंसिडर कर रहे हैं। तो एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू, ये हम पास। और अगर हम y ले रहे हैं तो सिर्फ हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, m1 y2, m2 y1, m1 y2, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास। तो ये सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड हमारे पास ये कंप्लीट एक्सरसाइज 7.2 इसी पे। इसमें सिर्फ एक और चीज़ यूज़ हो रही है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या है, उसका फार्मूला क्या है, आप चाहें तो मिड पॉइंट इसी से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ को एक स्पेशल फार्मूले में चेंज कर सकते हैं। एक्चुअली जब बात मिड पॉइंट की करेगा उस केस में हमारा जो सी पॉइंट होगा वो बीच में चला जाएगा यहाँ। अगर सी यहाँ बीच में जाएगा तो फिर रेशो, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए, अगर ये इक्वल हो गए तो बात रेशो की हो रही है, तो रेशो 1:1 आ जाएगा। अगर रेशो हमारा 1:1 आएगा तो जहाँ जहाँ आपने m1 m2 रखा है वहाँ 1 रख दीजिए, तो आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, 1 x2 प्लस 1 x1 अपॉन 1 प्लस 1। मैंने क्या करा है, m1 को भी 1 रखा है, ये मेरा m1 है, और मैंने m2 को भी 1 रखा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा, तो आपका फार्मूला कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इस 1 की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हो क्या जाएगा, x2 प्लस x1 लिखिए या इजीली x1 प्लस x2 कंसीडर करिए अपॉन 1 प्लस 1 2। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला होता है। इसको हम फिर लिख ले रहे हैं कि भाई x इज इक्वल्स टू सिंपली x1 प्लस x2 बाई 2। यहाँ अगर आप 1 रखेंगे, यहाँ भी आप 1 रखेंगे, तो आपके पास y आ जाएगा, तो y विल बी y1 प्लस y2 बाई 2। तो अगर आपके पास सेक्शन फार्मूले में आपसे मिड पॉइंट की बात करेगा तो फिर आपका फार्मूला सिंपल हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। अब हम बात करेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन हैं, और फिर हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग वीडियो डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इस छोटी सी वीडियो में हमने मिड पॉइंट की बात करी है। नाउ हम बात करेंगे इनके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस की। तो आप सीक्वेंस में वीडियोस देखते जाइए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता रहेगा। थैंक यू सो मच।